नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ के एक संक्रमित मरीज ने कैसे अपने द्वारा लोगों को सलाह दी। ये मरीज़ कोरोना वायरस से संक्रमित था और कुछ ही दिनों बाद ये बिल्कुल ठीक होने के बाद इसने लोगों को कैसे सलाह दी, आइए हम आपको हमारे द्वारा बताते हैं। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हैं तो वहीं कई लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान की भी गंवानी पड़ गई है। भारत में भी लगातार कोरोना वायरस की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की वजह से कई लोग इस वायरस से ठीक भी हो रहे हैं। चंडीगढ़ के यश कोरोना वायरस के उन्हीं मरीजों में से एक हैं जो ठीक हुए हैं। यश कोविड-19 पॉजिटिव थे जो ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब यश ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में सेवा दे रहे स्वास्थ्यकर्मी और आवश्यक सेवा प्रदाताओं का आभार व्यक्त किया है। यश ने कहा है कि मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे हैं। इस मौके पर विशेष रूप से डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों को इसके अलावा मैं कहूँगा कि यह वह महसूस नहीं होने देते कि वे वायरस से प्रतीक्षित हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना चाहिए और लॉकडाउन का पालन भी करना चाहिए। इस मौके पर इस नौजवान ने किस तरीके से लोगों को स्वस्थ और संक्रमण से दूर और लॉकडाउन का पालन करने के लिए क्या नसीहत दी, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जबानी। माय मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द डॉक्टर्स, द सपोर्ट स्टाफ, द नर्सेस एंड ऑल द एसेंशियल वर्कर्स हु आर वर्किंग राइट नाउ इन स्पाइट ऑफ द रिस्क्स दिस वायरस पोजेस टू देयर हेल्थ। The doctors and especially the people working in the hospital, they take a grave risk. They take a great risk because the virus is very contagious. So there's a lot of risk to their health as well, and they take that risk and come to treat us. And that is, I'm very thankful for that. Secondly, my second message would be that no one should feel that they're immune to the virus. The virus is very contagious, no matter what your age is, no matter how young you are. It does not mean you're immune to the virus. Sure, you might not experience very severe symptoms. However, that does not mean you're not immune, and you also carry the potential to spread it to other people. So I would say that no matter what your age is, you should definitely practice social distancing and self-isolation. Follow all the government orders regarding curfews and lockdowns, and follow the guidelines issued by the government, the WHO. तो ये थे यश जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज में पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन कुछ दिनों के इलाज के बाद और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत के बाद ये पूर्ण रूप से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस दौरान इन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी आप सभी के सामने हैं। तो कृपया करके इस संक्रमण को से बचने के लिए पूरे नियम और कायदों का पालन करें और किसी भी तरीके से गलत तरीकों को ना अपनाएं। बाहर निकल कर अपनी जान और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का गला ना घोटें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपका कहीं पहुँचना कहीं ना जाने से बेहतर है, क्योंकि आपकी जान की सुरक्षा आपके कहीं जाने से बेहतर है। अब हम फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।